हाई गाइज़ आई होप यू आल आर डूइंग वेरी वेल गाइज इन दिस वीरियो वी विल बी कवरिंग द नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर सेवनटीन ऑफ ए सी सी एफ नाइन एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल सो गाइज जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है दैट इज एस्टिमेटिंग ग्रोथ अब एस्टिमेटिंग ग्रोथ का बेसिकली मतलब क्या है जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप के होंगे हमें लॉजिक समझना है सो लॉजिक इज जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पता है अगर मैं बात करूँ ईयर वन ईयर फाइव देर आर टू ऑप्शन ईयर वन में जो कम मेरा डिविडेंड था जो डिविडेंड कंपनी देती थी दैट वॉज लेट्स से टेन सेंट्स ठीक है टेन सेंट्स डिविडेंड देती थी आफ्टर फाइव ईयर्स कंपनी जो डिविडेंड दे रही है वो दे रही है लेट्स से, जस्ट एन एग्जाम्पल एटीन सेंट्स कि पहले जो कंपनी डिविडेंड देती थी वो देती थी टेन सेंट्स अब कंपनी डिविडेंड दे रही है एटीन सेंट हमें निकाल दिया कि हर साल इन पाँच सालों में कितनी ग्रोथ हुई है डिविडेंड की पर ईयर हमें ये तो पता है कि डिविडेंड ग्रो कर है बट डिविडेंड कितना ग्रो कर है पर ईयर ये, ये हमें नहीं पता ऐसी सिचुएशंस में हम एक चीज़ मानते हैं कि डिविडेंड ग्रोथ जो है परसेंटेज ग्रोथ इज सेम ईच ईयर मतलब इट्स सेम ईच ईयर की जो डिविडेंड ग्रो कर रहा है वो हर साल सेम रेट से ग्रो कर रहा है जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ डिविडेंड 10% से ग्रो कर रहा है तो मेरा पहले डिविडेंड था 10% तो 10% अगले साल प्लस 10% इसका हो गया 11 अगले साल 11 प्लस 1.1 इज 12.1 पहले साल डिविडेंड 10 देन 11 देन 12.1 देन उसका टेन परसेंट जो भी फिगर आएगी वो नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड देन उसका टेन परसेंट जो भी फिगर आएगी उसका डिविडेंट दैट मीन्स हर साल जो डिविडेंड है वो टेन टेन परसेंट से इंक्रीज कर रहा है ठीक है तो ऐसे सिचुएशन में हाउ कैन वी गेट आवर आंसर सिंपल सा फॉर्मूला जो हमें याद रखना है मैं नहीं चाहता लर्न कर लो मैं तुम्हें पहले भी बताया था एक कॉपी अपने पास रखो जिसमें तुम्हें इस चैप्टर के सारे फॉर्मुलेज लिखने हैं और करना क्या है हर रोज तुम्हें एक दो बार सारे फॉर्मुलेज पढ़ने बस यही करना है हर रोज जब तुम एक दो बार फॉर्मूले पढ़ लोगे चार से पांच मैक्सिमम छह दिन के अंदर तुम्हें सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे सो so, डिविडेंट अगर हमारा कॉन्स्टेंट है याद रखना अगर डिविडेंट हमारा कॉन्स्टेंट है तो फॉर्मूला क्या होगा इट इज करंट ईयर डिविडेंट डिवाइड बाय डिविडेंट एन ईयर्स अगो जैसे मान लो पांच साल बाद का डिविडेंड आज है एटीन तो यहाँ आ जाएगा एटीन डिविडेंड एन ईयर एगो पांच साल पहले डिविडेंड कितना था इट वॉज टेन और दिस इज वन डिवाइड बाई एन एन मतलब नंबर ऑफ ईयर यहाँ पे आ जाएगा मेरा फाइव ठीक है माइनस मैं कर दूंगा इसमें से वन दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट डिविडेंड अगर हमारा कांस्टेंट डिविडेंड ग्रो करता है एंड इफ नथिंग इज मैंशन इन द क्वेश्चन हम हमेशा यह मानते हैं कि डिविडेंड जो है वो कांस्टेंट रेट से ग्रो करता है ठीक है डिविडेंड कॉन्स्टेंट रेट से ग्रो करता है इफ नथिंग इज तो जल्दी अ डिविडेंड ऑफ थर्टी टू सेंट आज की डेट में कंपनी डिविडेंड पे कर डिडेंट वॉज ट्वेंटी ठीक है हमें क्या निकालना है हमें है कंपनी ने एनुअल ग्रोथ रेट क्या रखा है डिविडेंड का, का कितना है डिविडेंड का ठीक है तो हम कैसे करेंगे करंट ईयर डिविडेंट डिवाइड बाई डिविडेंट फाइव ईयर को वन डिवाइड बाय फाइव माइनस वन तो मैंने तुम्हें बताया था आई हैव मेड अ वीडियो कि कैसे तुम इस चीज को कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हो इसकी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है जिसका लिंक तुम्हारे को इस वीडियो के ऊपर यहां पे मिल जाएगा यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द लिंक वहां से तुम्हें शॉर्ट वीडियो मिल जाएगी कि कैसे तुम ये पूरी चीज कैलकुलेटर पर सॉल्व कर सकते हो मैं फिर भी एक बार करके तुम्हें बता देता हूँ सो इट इज थर्टी टू डिवाइड बाई ट्वेंटी जो भी मेरी फिगर आ रही है इसको मैं करूंगा रूट ट्वेल्व टाइम्स सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व इसमें से करा मैंने माइनस वन जो भी फिगर आई उसको मैंने मल्टीप्लाई करा इस पूरी फिगर से बिच इज वन डिवाइड बाई फाइव सो इंटू वन डिवाइड बाई फाइव अब जो भी मेरी फिगर आई उसमें मैंने करा प्लस वन अब जो फिगर आया मैंने इन टू इज इक्वल टू करा टाइम्स इंटू इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व अब मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है वन पॉइंट और आई कैन से 1.0 या 1.10 पॉइंट वन जीरो आई कैन राइट इट वन ठीक है मुझे हमेशा मोस्टली इन दो का देखना होता है क्योंकि इसका आंसर कभी भी एग्जैक्ट नहीं आता बट नियर बाय आता है तो मैं इसको राउंड फिगर में अगर मैं करूं सो इट इज़ 1.10 सो वन पॉइंट वन जीरो माइनस वन सो दैट मीन्स जीरो पॉइंट वन जीरो इज दी ग्रोथ और अगर मुझे आंसर अपनी परसेंटेज में निकालना है तो 0.10 पॉइंट वन जीरो इन हंड्रेड विच इज टेन परसेंट तो हर साल मेरी ग्रोथ कितनी हो गई टेन परसेंट सिंपल तरीका है गाइज बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है अब देखो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को यहाँ पे क्या दिया हुआ है टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर सेवन इसमें है यूजिंग पास डिविडेंट्स सो कंपनी हैज पेड दिवीडेंट्स पर शेयर ओवर लास्ट फाइव ईयर सो वन टू थ्री फोर फाइव पिछले पांच सालों में कंपनी ने इतना डिविडेंट दिया है हमें निकालना है एनुअल या एवरेज एनुअल हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट के एवरेज एनुअल हर साल का नहीं एवरेज के ऑन एन एवरेज पांचों सालों में हर साल कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है ठीक है एवरेज निकालने का तो एक तो देखो अगर मैं मैथमेटिकल तरीका बोलूं इसका वो क्या होगा कि मैं हर साल का हर ईयर का एक दो तीन चार हर ईयर का ग्रोथ रेट निकाल दूं कैसे इलेवन माइनस टेन यहां देखना इलेवन माइनस टेन इज इक्वल टू वन की ग्रोथ हुई है डिवाइड बाय पहले था टेन इन टू हंड्रेड सो वन डिवाइड बाई टेन इन टू हंड्रेड दैट मीन्स पहले साल मेरी जो ग्रोथ है वो हुई है टेन परसेंट यहाँ पे अब है ट्वेल्व पॉइंट फाइव पहले था इलेवन सो ट्वेल्व पॉइंट फाइव माइनस इलेवन इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव सो वन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय पहले कितना डिविडेंड था इलेवन इंटू हंड्रेड हम नॉर्मली ग्रोथ कैसे निकालते हैं कि पिछले साल को डिवाइड कर देंगे और कितनी हमारी ग्रोथ हुई है तभी परसेंटेज आएगी वन पॉइंट फाइव डिवाइड बाई इलेवन इन टू हंड्रेड इट इज़ थर्टीन पॉइंट सिक्स थ्री परसेंट इसके बाद यहाँ निकालते हैं थर्टीन पॉइंट सिक्स माइनस ट्वेल्व पॉइंट फाइव इज इक्वल टू वन पॉइंट वन सो वन पॉइंट वन Divide by 12.5 into फाइव इंटू हंड्रेड पॉइंट बाई 12.5 इंटू हंड्रेड यह आता है मेरा 8.8%. परसेंट ये तो सिंपल मैथ्स है इसमें कोई अभी तो डिविडेंड ग्रोथ की मैं बात ही नहीं कर रहा सिंपल मैथ्स है इस साल 14.5 पॉइंट फाइव माइनस थर्टीन पॉइंट फोर्टीन पॉइंट फाइव माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इट इज पॉइंट जीरो नाइन सॉरी जीरो पॉइंट नाइन तो जीरो पॉइंट नाइन डिवाइड by थर्टीन पॉइंट सिक्स इन टू हंड्रेड इट इज सिक्स पॉइंट सिक्स टू इट इज सिक्स पॉइंट सिक्स टू परसेंट तो ये चार सालों का मेरा ग्रोथ रेट आया पहले साल इतना दूसरे साल इतना तीसरे साल इतना चौथे साल इतना तो अगर मुझे इनकी एवरेज निकालने में कैसे निकालूंगा दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस ऑल डिवाइड बाय फोर तो टेन प्लस थर्टीन पॉइंट सिक्स थ्री प्लस एट पॉइंट एट प्लस सिक्स पॉइंट सिक्स टू डिवाइड बाय फोर मेरा आंसर आता है नाइन पॉइंट सेवन सिक्स सो इट इज़ नाइन पॉइंट सेवन सिक्स और यू कैन से नाइन पॉइंट सेवन ये आ रहा है मेरा एवरेज ग्रोथ रेट दिस इज माय एवरेज ग्रोथ रेट अब अगर तुम देखो इस तरह से एवरेज ग्रोथ रेट हमारा आ तो गया बट ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है इसका कोई यूज़ नहीं है अब अगर हम यहाँ पे इस मेथड की बजाय जो मेथड हमने पढ़ा है उससे आंसर निकालते हैं चाहे मेरा जो डिविडेंड है वो कांस्टेंट नहीं है ध्यान से मेरा डिविडेंड कांस्टेंट नहीं है तब भी देखना मेरा आंसर यही आएगा तुम कहोगे कि सर आपने तो ऊपर कहा था कि डिविडेंड कांस्टेंट हो तभी वो मेथड यूज़ करना है वो मैंने इसीलिए कहा था कि कई बच्चे क्या करते हैं वो हर जगह बस एक ही मेथड रट लेते हैं उनको ये नहीं पता होता कि लॉजिकली ये चीज़ भी निकल सकती है ठीक है ना बच्चे बस समझ लेते हैं कि हमने हर जगह ऐसे आंसर निकालना है तुम इस तरह से भी अपना आंसर निकाल सकते हो अगर तुम्हें फॉर्मला नहीं याद ठीक है ना ऐसा क्वेश्चन आ गया सोचो तुम्हें फॉर्मला नहीं याद तो जिस तरह से मैंने निकाला है वैसे भी तुम अपना आंसर निकाल सकते हो तो लॉजिक्स भी हमें पता होने चाहिए हर चीज के सिंपल मैथ्स भी चलो अब हम निकालते हमारा फॉर्मुला क्या था करंट ईयर डिविडेंट फोर्टीन पॉइंट फाइव डिवाइड बाई डिविडेंड एन एगो इट इज इन टू वन डिवाइड बाय अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वन डिवाइड बाय फाइव फाइव नहीं आएगा यहाँ पे तुम कहोगे सर डिविडेंट पाँच साल पहले था टेन हम यहाँ पे देखते हैं कितने सालों की ग्रोथ है ग्रोथ कितने साल की है वन टू थ्री फोर चार सालों की ग्रोथ के बाद हमारा इतना डिविडेंट आया ये याद रखना गाय यहां पे हम ये नहीं देखते कि पांच पिछले पांच साल पहले कितना था ऊपर तो स्टेट फॉरवर्ड लाइन में लिखा हुआ था कि फाइव ईयरस एगो डिफरेंट कितना था अगर मैं यहां से बोलूँ फाइव ईयरस एगो डिफरेंट कितना था तो वन टू थ्री फोर फाइव ईयरस एगो कितना डिफरेंट था वो मुझे नहीं गिवन ठीक है ना फाइव ईयर्स एगो कितना डिफरेंट था वो मुझे नहीं गिवन याद रखना ये चीज़ ठीक है तो यहां पर हमें देखना है कितने सालों की हमारी ग्रोथ है तो कितने सालों की ग्रोथ है फोर तो वन डिवाइड बाई फोर और आगे हमारा सिंपल माइनस वन यही होता है डिविडेंड फाइव इयर्स है वो वन एक साल पहले इतना था दो साल पहले इतना था तीन साल पहले इतना था चार साल पहले इतना था पाँच साल नहीं है लास्ट फाइव इयर्स लिखा हुआ है डजन मैटर डिविडेंड चार साल पाँच साल पहले कितना था तो एक साल पहले कितना था दो साल पहले कितना था तीन साल पहले कितना था चार साल पहले कितना था तो ये हमारा आ रहा है फोर इसीलिए वी विल डिवाइडेड बाय फोर यू कैन लर्न इट इन दिस वे एज वेल ये क्वेश्चन आने में बच्चों के सबसे ज़्यादा गलत होने के चांसेस यही होते हैं वो डिवाइड बाय फाइव कर देंगे फाइव नहीं करना फोर करना है क्योंकि चार साल पहले एक दो तीन चार साल पहले कितना डिविडेंट था तो निकालते हैं इसको फोर्टीन पॉइंट फाइव डिवाइड बाई टेन जो भी मेरा आंसर आया इसको मैं रूट करूंगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट माइनस वन जो भी फिगर आया इंटू वन डिवाइड बाई फोर प्लस वन अब इंटू इज इक्वल टू टाइम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टवेल्व अब जो मेरा आंसर आया इट इज वन पॉइंट जीरो नाइन सेवन सो इट इज वन पॉइंट जीरो नाइन सेवन ठीक है माइनस वन सो ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो नाइन सेवन इंटू हंड्रेड अगर मैं करता हूँ सो इट इज़ नाइन पॉइंट सेवन परसेंट देखो यहाँ से भी मेरा नाइन पॉइंट सेवन परसेंट आंसर आ रहा है तो आंसर दोनों से सेम आता है वो लॉजिकल है ये वाला और ये हमारा फार्मूला बेस्ड है ठीक है तो ईदर ऑफ़ दी वे यू कैन यूज़ दी फॉर्मूला कंफ्यूज मत होना मैंने जो पहले बताया था वो अलग तरीके से था बट द पॉइंट इज़ यहां पे ईयर्स में कंफ्यूज मत होना ये हमारा चार साल होगा पाँच साल नहीं होगा डिवाइड बाय गलती से भी मत कर देना क्वेश्चन गलत हो जाएगा ठीक है कितने साल पहले डिविडेंट एक साल दो साल तीन साल चार साल पहले ठीक है हमें नंबर ऑफ देखने कितने पास हुए हैं वन टू थ्री फोर चलो अब आता है हमारा नेक्स्ट मेथड दैट इज अर्निंग रिटेंशन मॉडल ग्रोथ मॉडल ओके अब इसमें हमें निकालना है क्या क्वेश्चन में इसमें हमें निकालना है अ -अ -अ -अ. अब देखो देखोगाइस हमने जो पहले क्वेश्चन किया था उसमें हमारे को ये गिवन था कि पिछले सालों में डिविडेंड कितना कितना दिया गया है ठीक है ना उसके अकॉर्डिंग हमने डिविडेंड की ग्रोथ निकाल ली अब ये डिफरेंट मॉडल हमारा आता है दैट इज अर्निंग रिटेंशन मॉडल दैट इज गॉर्डन ग्रोथ मॉडल ये क्या कहता है कि हम अभी ये डिविडेंड की बात नहीं कर रहे नॉट टॉकिंग अबाउट डिविडेंट्स इट्स अ डिफरेंट वे ये कह रहा है कि अगर कंपनी जो है वो जो भी अर्न करती है जितना भी वो अर्न करती है उसमें से कुछ पार्ट डिविडेंड दे देती है और कुछ पार्ट जो है वो रिटेन कर लेती है कुछ पार्ट डिविडेंड दे, दे, दे देती है कुछ पार्ट रिटेन कर लेती है तो उस कंपनी का ग्रोथ हम कैसे निकालेंगे ग्रोथ परसेंटेज कैसे निकालेंगे ये बिल्कुल ही डिफरेंट तरीका है जो हमने ऊपर पढ़ा है उससे डिफरेंट तरीका है ये क्योंकि ऊपर तो हम डिविडेंड जो ग्रोथ है वो पास्ट ट्रेंड से निकाल रहे थे कि पास्ट ट्रेंड हमारा क्या है पिछले सालों में कंपनी ने कितनी ग्रोथ करी है उसके अकॉर्डिंग ठीक है ना सिंपल मैथ फॉर्मूला था पिछली बार तो अब ये हमारा थोड़ा सा लॉजिकल फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को समझने के लिए वी हैव टू डिप डिग अ बिट अब अब इसमें क्या है बहुत ध्यान से देखना का हमारा जो के ई -E है के ई -E मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी या फिर अगर मैं बोलू रिटर्न ऑन इक्विटी दिस इज आर ओ आर ओज रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब जो भी कंपनी जितने भी पैसे कंपनी के लगे हैं सो so, सिंपल जो भी कंपनी के प्रॉफिट्स आए हैं प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी इनटू हंड्रेड कि कंपनी ने कितने नेट प्रॉफिट्स अर्न किए कंपनी ने कितने नेट प्रॉफ़िट अर्न किए डिवाइड बाय इक्विटी इंटू हंड्रेड यहां से पता चलता है कि हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है सो रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है इट मीन्स कंपनी ने जितने पैसे कंपनी में लगे हैं उसके कितने परसेंटेज कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है ठीक है ना उसके कितने परसेंटेज कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है लेट से मैं ये फिगर बोलता हूँ एट परसेंट कि हमारा जो आंसर आया है वो आया है एट परसेंट बहुत ध्यान से सुनना का इस लॉजिक कंपनी ने आठ परसेंट प्रॉफिट अर्न किया है ठीक है और कंपनी क्या करती है आठ परसेंट प्रॉफिट अर्न किए ये सारा का सारा डिविडेंड दे दिया ये सारा का सारा डिविडेंड दे दिया आठ का आठ परसेंट जो भी आंसर आया वो कंपनी ने लेट्स अगर ये एट लाख या जो भी फिगर आई वो सारा का सारा कंपनी ने डिविडेंड दे दिया तो होगा क्या अब कंपनी अपने पास कुछ भी रिटेन नहीं कर रही कंपनी कुछ भी अपने पास रिटेन नहीं कर रही तो हाउ विल कंपनी ग्रो जितने पैसे कंपनी ने कमाए वो सारे के सारे तो कंपनी ने डिविडेंड मार दिए तो अब दोबारा से कंपनी सामान परचेज़ करेगी उतना ही सामान परचेस करेगी एक्सेस तो परचेस कर नहीं पाएगी क्यों एक्सेस कहाँ से परचेज़ करेगी अगर मैंने सौ रुपये बिजनेस में लगाए थे मैंने एक कमाए एक कमा के मैंने दस जो एक्स्ट्रा कमाए थे वो तो मैंने बांट दिए शेयर होल्डर को बांट दिए ओनर को बांट दिए तो मेरे पास सौ रुपये रह गए अब दोबारा से मैं सौ रुपये लगाऊंगा फिर प्रॉफिट आएगा दस फिर दस बांट दूंगा तो उस केस में तो कंपनी की ग्रोथ ही नहीं होगी है ना लेकिन अगर मैं एक बात बोलूं यहां पर ध्यान से देखना कि कंपनी ने एट प्रॉफिट कमाया था एट प्रॉफिट कमाया था उस कंपनी क्या करती है जो भी टोटल अमाउंट ये जैसे एट परसेंट वट एवर इज उसका कंपनी ने एक रूल बनाया हुआ है क्या कि कंपनी फोर्टी परसेंट रिटेन करती है और सिक्सटी परसेंट कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है फोर्टी परसेंट कंपनी अपने पास क्या करती है रिटेन करती है और 60 परसेंट जो है वो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड सो सिंपल सी बात है कंपनी ग्रोथ किस फिगर पे करेगी अगर कंपनी ने 8 परसेंट कमाए एक फिगर कमाई उस कमाई में से 40 परसेंट अपने पास डाल दिए सो दैट मीन्स इस 40 परसेंट पे और यही कंपनी की ग्रोथ होगी इस फोर्टी परसेंट कंपनी और ग्रो करेगी है ना जैसे हंड्रेड मैंने लगाए थे हंड्रेड में एक सौ दस रुपये मैंने कमाए ठीक है तो टेन रुपीज़ मेरा प्रॉफिट हो गया टेन में से मैंने सिक्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फोर बिजनेस में लगा लिया दैट मीन्स अगले साल मेरे पास कितने हो गए वन जीरो फोर अब वन जीरो फोर का अगर मैं टेन परसेंट निकालू सो इट इज़ टेन पॉइंट फोर ये मैं इसमें ऐड करूँगा सो so इट इज़ वन वन फोर पॉइंट फोर अब देखो मेरे टोटल प्रॉफिट भी बढ़ गए ठीक है ना क्योंकि मैंने हंड्रेड पे तो प्रॉफिट कमाया कमाया लेकिन इस फोर पे भी मैंने एडिशनल प्रॉफिट कमाया इस फोर पे भी मैंने एडिशनल प्रॉफिट कमाया सो so, ये जो मैंने एडिशनल प्रॉफिट इस फोर पे कमाया दैट मीन्स फोर का टेन परसेंट जो भी फिगर आएगी ये क्या होगी मेरी ग्रोथ कंपनी की ग्रोथ यही होगी ना कैसे कि पैसे हंड्रेड पे तो कंपनी कमा ही थी प्रॉफिट तो कंपनी ने जो पैसे बिजनेस में लगाए इसके ऊपर एडिशनल आर कमाई जो कंपनी ने पैसे बिजनेस में लगाए थे इसके ऊपर एडिशनल रिटर्न ऑन इक्विटी कमाई वही ग्रोथ है तो ग्रोथ का इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या होगा इट विल बी बी इंटू आर ई और फॉर्मूला तुम कह सकते हो इट इज ग्रोथ इज इक्वल टू रिटेंशन रेट इंटू रिटर्न ऑन इक्विटी सिंपल रिटेंशन रेट इंटू रिटर्न ऑन इक्विटी सो रिटेंशन रेट यहां था मेरा फोर्टी परसेंट रिटर्न ऑन इक्विटी वॉज एट परसेंट तो फोर्टी परसेंट इंटू एट परसेंट तो फोर्टी परसेंट इंटू एट परसेंट ये मेरा आंसर आता है फोर्टी इंटू सो इट इज थ्री पॉइंट टू और तुम इसको कैसे निकाल सकते हो फोर्टी परसेंट ऑफ आर एंड आर ओ ई नॉट परसेंट दैट मीन्स जीरो पॉइंट जीरो एट अगर एट परसेंट आर ओई है दैट मीन्स जीरो पॉइंट जीरो एट मेरी आर ओ ई है ना तो फोर्टी परसेंट ऑफ जीरो पॉइंट जीरो एट तो 0.08 पॉइंट जीरो एट इंटू फोर्टी परसेंट इट इज़ ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो थ्री टू सो इंटू हंड्रेड में करूँगा इट इज़ माई थ्री पॉइंट टू ये हो गया मेरा ग्रोथ सो हर साल जो मेरी ग्रोथ होगी दैट विल बी थ्री पॉइंट टू परसेंट इस तरह से मैं अपनी ग्रोथ निकाल सकता हूँ तो ग्रोथ निकालने का इन्होंने तरीका क्या बताया जितना भी हमारी रिटेंशन रेट है उसके ऊपर हम आर जो कमाएंगे जो रिटेंशन हमने बिजनेस में पैसे रख लिए वापस उसके ऊपर हम हर साल आर कमाते हैं वही हमारी होती है ग्रोथ ठीक है सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्रोथ यू कैन जस्ट राइट रिटेंशन रेट इंटू आर ओ आर में ब्रैकेट में लिख दो नो परसेंटेज इसमें परसेंटेज ही मत लगाना सिंपल तरीका तो फोर्टी परसेंट इंटू आर ओ ऐसे कर लो ये तुम्हारा इजी आंसर आ जाएगा फोर्टी परसेंट इंटू आर ओ ठीक है तो यह भी एक तरीका है अपना आंसर को अपने आंसर को निकालने का बहुत सारी चीजें होती है गाइस अब जैसे आर है मैंने कहा था आर इज ऑल्सो मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो इसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बोल सकते हैं तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं अपना ग्रोथ सिंपल है गाइस बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसका टेस्ट अंडरस्टाइंड नंबर एट क्या लिखा हुआ इसमें कंसिडर फॉलोइंग समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एक्सवाइज एट कंपनी एसेट्स हैं हमारे टू हंड्रेड के

तो रिटर्न ऑन इक्विटी विल बी जो भी हमने प्रॉफिट कमाए हैं डिवाइडेड बाय हमारी टोटल इक्विटी दैट मींस 200 हंड्रेड इन टू हंड्रेड सो दैट मींस टेन परसेंट की मेरी आगे रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी टेन परसेंट डिविडेंड अ फोर्टी परसेंट पे आउट कंपनी फोर्टी परसेंट जो है वो हर साल डिविडेंड देती है दैट मीन्स कंपनी रिटेन कितना कर रही है सिक्सटी परसेंट तो कंपनी अगर सिक्सटी परसेंट रिटेन कर रही है तो हमारी यहाँ पे ग्रोथ कैसे निकलेगी पहले देखें क्वेश्चन में निकालना गया मैं सीधा अपना आंसर निकालने लग गया नेक्स्ट ईयर ईयर एंड पे ये है ऑर्डनरी शेयर्स रिजर्व पहले थे हंड्रेड के और कंपनी ने ट्वेल्व अपने पास रख लिया तो कंपनी ने ट्वेंटी कमाए थे ट्वेंटी में से फोर्टी परसेंट कंपनी ने यानी एट दे दिया तो ट्वेल्व अपने पास रख लिया तो रिजर्व्स में कंपनी के ट्वेल्व ऐड हो गए अब रिज़र्व ज़्यादा हो गए ठीक है इफ़ द कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी एंड अर्निंग रिटेंशन रेट रिमेन द सेम कि रिटर्न ऑन इक्विटी हर साल हम यही मान के चलते हैं कि हमारी टेन परसेंट ही रहेगी चेंज नहीं होगी क्योंकि अगर ये चेंज होगी तो तो ये फॉर्मूला खत्म हो गया हम इसे प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते एंड अर्निंग रिटेंशन ये भी कंपनी मान के चलती है कि जो हम डिविडेंड देते हैं वो हमेशा ही फोर्टी परसेंट होगा अगर डिविडेंड हमने अलग अलग परसेंटेज दिया हर सालों में तो भी ये फॉर्मूला ठीक नहीं चलेगा ठीक है तो हमें बताना है ग्रोथ कितनी है सो so, ग्रोथ का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था रिटेंशन रेशो यानी सिक्सटी परसेंट ऑफ जो भी हमारा आता है रिटर्न ऑन इक्विटी दैट इज टेन मैंने कहा था इसमें परसेंटेज मत लगाओ तो सिक्स परसेंट आ गया हमारा सिंपल आंसर ग्रोथ का ठीक है ना तुम कैसे भी करके अपना आंसर निकाल सकते हो <coughs> एक चीज को करने के बहुत तरीके होते हैं तो आई होप तुम्हें यह वाला मेथड समझ आ गया हो ठीक है ना मैं तुम्हें एक बार यही सेम चीज यही सेम क्वेश्चन पुराने तरीके से भी करके दिखाता तो कर हूं देखो अब ध्यान से देखना इस साल मैंने डिविडेंड कितना दिया था कंपनी ने डिविडेंड दिया है एट डॉलर का एट डॉलर का डिविडेंड कंपनी ने दिया है ठीक है अगले साल अगले साल कंपनी कितना डिविडेंड देगी ध्यान से देखना कंपनी का आर था टेन जो हमने कैलकुलेट किया था और ये तो हर साल सेम रहता है तो इस साल कंपनी की टोटल इक्विटी कितनी है टू वन टू सो टू वन टू का टेन परसेंट दैट मीन्स ट्वेंटी वन पॉइंट टू कंपनी ने इतने प्रॉफिट्स अर्न किए होंगे इस साल क्योंकि हम मान के चलते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलवेज रिमेन सेम इतने कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किए हैं फोर्टी परसेंट कंपनी डिविडेंड दे देती है 60 परसेंट कंपनी रिटेन करती है तो 40 परसेंट डिविडेंड देती है सो so 40 परसेंट डिविडेंट मतलब इस साल कितना डिविडेंड दिया होगा 21.2 वन पॉइंट टू इंटू फोर्टी परसेंट दैट मीन्स एट तो इतने डॉलर्स का डिविडेंड कंपनी ने इस साल दिया होगा पिछले साल डिविडेंड दिया था एट इस साल डिविडेंड दिया एट पॉइंट फोर एट सो करंट ईयर डिविडेंड डिवाइड बाय पिछले एक साल में कितना डिविडेंड दिया था वन डिवाइड बाय वन क्योंकि एक ही साल है बस माइनस वन डिवाइड so, 8 8 ये भी आता है मेरा जीरो पॉइंट जीरो सिक्स और आई कैन से सिक्स परसेंट यहाँ से भी मेरा आंसर सिक्स परसेंट आता है तो देखो लॉजिकली भी हमारा आंसर सही आ रहा है और फॉर्मूले से भी हमारा आंसर सही है जब हमने फॉर्मूले से अपना आंसर निकाला तब भी यही आ रहा है और जब थोड़ा सा हम लॉजिकल वे से गए कि जितना कंपनी अपने पास प्रॉफिट रखती है अगले साल उतने ही प्रॉफिट्स पे कंपनी और एक्स्ट्रा आर कमाएगी वो ही होगी कंपनी की ग्रोथ ठीक है सो इन ईदर वे यू कैन कैलकुलेट योर आंसर डिफिकल्ट नहीं है कॉन्सेप्चुअल है अच्छे से इस क्वेश्चन को एक दो बार सॉल्व करो समझ आ जाएगा <coughs> चलो टेस्ट अंडरस्टैंड नंबर नाइन करते हैं जल्दी से

उसमें से हम 20% परसेंट डिविडेंट बांट देते हैं दैट मीन्स 10% परसेंट कंपनी रिटेन रखती है तो ग्रोथ कितनी होगी हमारी 10% परसेंट सॉरी एट्टी परसेंट एट्टी परसेंट कंपनी अपने पास रख देती है सो so ग्रोथ कितनी होगी हमारी ग्रोथ विल बी 80% परसेंट जो कंपनी रिटेन करती है आगे जाके उसमें कितनी ग्रोथ होगी तो जितना कंपनी ने रिटेन कर लिया उसके ऊपर कंपनी 12.5 पॉइंट करेगी सो so 80 परसेंट इंटू ट्वेल्व ट्वेल्व पॉइंट फाइव इंटू एटी परसेंट सो आंसर आ गया टेन परसेंट सो टेन परसेंट इज ईयर, सो टेन परसेंट इज ईयर, तो केमुला क्या था डिविडेंड जो मैं अभी देने वाला हूँ सिक्सटीन मुझे चाहिए होता है डी वन डी वन मतलब अगले साल का डिविडेंड, तो इसमें मैं 10 परसेंट एड कर लूंगा मुझे डिविडेंट चाहिए होता है नेक्स्ट ईयर का डी सो सिक्सटीन प्लस टेन परसेंट दैट मीन्स 17.6 पॉइंट सिक्स ये हो गया मेरा सेवनटीन पॉइंट सिक्स डिवाइड बाय एक्स डिविडेंड शेयर प्राइस वन एटी फोर एक्स डिविडेंड शेयर प्राइस माइनस वन सॉरी प्लस वन प्लस ग्रोथ सॉरी प्लस ग्रोथ होता था सो so ग्रोथ मेरी है टेन परसेंट दैट मीन्स पॉइंट वन जीरो है मेरी ग्रोथ सो जीरो पॉइंट वन जीरो मेरी ग्रोथ दिस इज के ई सो सेवनटीन पॉइंट सिक्स डिवाइड बाई वन एटी फोर प्लस पॉइंट वन जीरो सो दैट मीन्स ये आ रहा है नाइनटीन पॉइंट फाइव सिक्स सो जीरो पॉइंट वन नाइन फाइव सिक्स और नाइनटीन पॉइंट फाइव सिक्स परसेंट इज माई आंसर ठीक है कैसे निकाला मैंने सिंपल तरीका मैंने सबसे पहले रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटेन अर्निंग से मैंने निकाल दिया अपनी ग्रोथ ग्रोथ निकालने के बाद मुझे जो प्राइस दिया हुआ है मुझे ये बताया गया है कि कंपनी ने इतना डिविडेंड अभी देना है और अभी शेयर प्राइस इतना है दैट मीन्स शेयर प्राइस इज़ कम डिविडेंड तो मैंने उसमें से माइनस करके एक्स डिविडेंड शेयर प्राइस निकाल दिया अब एक्स डिविडेंड शेयर प्राइस मेरा आ गया मुझे ये पता है कंपनी ने अगले साल कितना डिविडेंड देना है इस साल के डिविडेंड में हम ऐड कर लेंगे जो भी मेरी ग्रोथ है प्लस जो भी मेरी ग्रोथ आती है दिस इज़ दर्सेंटेज ऑफ की दैट इज़ कॉस्ट ऑफ डेट ओ सॉरी कॉस्ट ऑफ़ इक्विटी ठीक है गाइज़ सिंपल जो हमने अभी तक पढ़ा है उसका क्रक्स है ये तो यहाँ जैसे कि मैंने बताया था इस चैप्टर में फार्मूलेज बहुत सारे हैं तो तुम्हें कॉन्सेप्ट्स भी याद रखने हैं फार्मूलेज भी सारे याद रखने हैं दीज आर लाइक कंपाउंडिंग फार्मूलेज जो भी हमने पढ़ा है उसका सारे का कंबाइन करके हमारा आंसर आ गया ग्रोथ भी आ गया ग्रोथ निकालना भी आ गया और एक्स डिविडेंट कम डिविडेंट भी आ गया सब कुछ इसमें आ गया सो दीज आर लाइक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हें एक दो बार खुद सॉल्व करने हैं तभी इस चैप्टर में तुम्हारी जो ग्रोथ है वो बन पाएगी जो ग्रिप है वो बन पाएगी नेक्स्ट आता है वीकनेस ऑफ डीवीएम सो जो डीवीएम मेथड है उसकी वीकनेस क्या है सो डीवीएम वाज डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल सो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल जो हमारा है उसकी वीकनेस क्या है सो वीकनेस यहां पे है सबसे पहला था इनपुट डेटा इनपुट डेटा जो डेटा हम इस मॉडल में यूज करते हैं अपना आंसर निकालने के लिए पहला है करंट मार्केट प्राइस अब जो शेयर का करंट मार्केट प्राइस हमने लिया हुआ है वो हर बार सही नहीं होता हम सिर्फ अपना करंट शेयर प्राइस निकाल के अपना आंसर निकाल देते हैं बट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिपेंड्स अपॉन लॉट ऑफ थिंग्स थ्रो मार्केट प्राइस एक्चुअल मार्केट प्राइस जो स्टॉक एक्सचेंज uh, में ट्रेड कर रहा है वो अलग होता है हमारी बुक से जो निकलता है वो अलग होता है सो देआर लॉट ऑफ फैक्टर्स तो ये एक पॉइंट होता है जहाँ पे जिसकी वजह से हमारा आंसर सही नहीं होता दूसरा होता है फ्यूचर डिविडेंड पैटर्न हम ये देखते हैं कि हमें हर साल अब जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें निकालना होता है हम ये मानते हैं कि डिविडेंड हम इतना ही देंगे जैसे हमने क्या देखा था हमारी ग्रोथ रेट भी इतना रहेगा हर साल ठीक है ना प्लस हमने क्या देखा था कि कंपनी रिटेंशन भी हमेशा इतना रखेगी रिटेन अर्निंग इतना रखेगी इतने परसेंटेज ही डिविडेंड बांटेगी अगर सब कुछ कांस्टेंट है तभी हमारा ये आंसर सही है जो कि प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली सही नहीं होता जरूरी नहीं है कि कंपनी हर साल रिटेंशन जो रेट है वो सेम रखेगी क्यों अगर कंपनी को ग्रोथ करनी है तो हो सकता है ज़्यादा पैसा रख ले और अगर जिस साल कंपनी को पता है कि आगे ग्रोथ नहीं है कुछ भी नहीं है आगे कोई ऐसा सच नहीं है कि कंपनी को ज़्यादा ग्रो करना है तो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड दे दे तो इस वजह से हमारा जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो फ्लक्चुएट कर सकता है ठीक है एंड दूसरा ग्रोथ इन अर्निंग इज इग्नोर्ड ये सबसे बड़ी बात है कि ग्रोथ इन अर्निंग इज इग्नोर्ड हम जो ग्रोथ मान के चलते हैं वो मानते हैं कि डिविडेंड में कितनी ग्रोथ आएगी डिविडेंड में कितनी ग्रोथ आएगी बट जरूरी नहीं है ना कि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी हर साल टेन परसेंट ही आएगा हो सकता है अगले साल कंपनी चीज़ें ज़्यादा महंगी बेचे ज़्यादा महंगी बेचेगी तो रिटर्न ऑन इक्विटी हमारा ज़्यादा परसेंटेज आ जाएगा हो सकता है और भी ज़्यादा परसेंटेज आ जाए या हो सकता है कोविड आ जाए कंपनी का सामान बिके ही ना लॉसेज शुरू हो जाए तो रिटर्न ऑन इक्विटी एट परसेंट रह जाए सिक्स परसेंट रह जाए तो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ फैक्टर्स तो ग्रोथ और डिक्लाइन ग्रोथ और डिक्लाइन इन अर्निंग ज इग्नोर्ड को कंसिडर ही नहीं किया जाता ठीक है फ्यूचरिस्टिक चीजें ऑफकोर्स वी कैन नॉट बी श्योर 100 परसेंट की हमारा आंसर यही होगा बट देर आर सम मेथड्स विच एटलीस्ट प्रोवाइड अ वैल्यू लाइक डीवीएम के ये आंसर हमारा आ सकता है अगर ये चीजें कॉन्स्टेंट रही तो ठीक है तो नीचे इसके बारे में डिटेल पढ़ लेना समझ आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारे को मैं एस्टिमेटिंग कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड कॉस्ट ऑफ डेट कराता हूँ चलो बाय गाइस टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम